Hello children, we are going to read chapter 3 of class 7, Frog Napped. ये कहानी एक मेंढक की है जिसे थोड़ा सा जब वो उसको हल्की सी नींद आ रही थी उस समय उसने उसके दिमाग में क्या क्या चीज चल रहे थे उस पे ये कहानी है. My whole world was rushing by fast. मेरी जो पूरी जिंदगी है बहुत तेज तेज चल रही थी. I was terrified. मैं बहुत डरा हुआ था. I hung on with all the stickiness that my toes allowed. और मैं कहीं पे लटका हुआ था with all my जो मेरे toes में जितने भी चिपचिपाहट थे उससे बहुत जोर से मैं पकड़ के जगह चिपका हुआ था. I shut my eyes tight because I felt so dizzy. मुझे चक्कर आया था इसके कारण मैंने अपने आँख को बहुत जोर से बंद कर रखा था. The air stank and some strange black dirt clogged my pores. जो हवा थी वो बहुत बदबूदार थी और कुछ अजीब तरीके का जो काला सा गंदा सा था वो पूरे मेरे रोमशित को पोर्स को क्लॉक कर दिया था, बंद कर दिया था. My delicate toes felt fried in the heat. And my eardrums just could not handle the noise. जो मेरे जो पैर थे बहुत नाजुक से जो पैर थे वो फ्राइड वो बहुत जल रहे थे गर्म से और मेरे जो ईयरड्रम से कान के जो पर्दे थे वो इतनी तेज आवाज को हैंडल नहीं कर पा रहा था. Finally, after nearly a lifetime, my world came to a standstill and I almost fell down from the dizziness. फाइनली जब बहुत दिनों के बाद मेरी पूरी जिंदगी में मेरी लग रहा था कि मेरी जो ये जिंदगी है वो मैं बहुत एक जगह उसमें ठहराव आ गया है एंड मैं मूर्छित हो गया. आई वॉज जस्ट गैदरिंग माई विट्स वेन अ वॉइस ईल्ड. इसी तरह से मैं अपने दिमाग को एक जगह जुट किया जब एक आवाज मुझे एक आवाज सुनाई दी. हे रोम, There is a tree frog here. What to do? यहाँ पे एक tree पे एक frog है, tree frog है. अब उसको क्या करना है? Just put him there by the bushes. The man called Rome answered. वो जो है जितना आदमी का नाम था रोम उसने कहा कि वो जो nearby bushes है उसपे वहाँ उसको रख दो. Here at the mechanics. He will die. She sounded horrified. जो लेडी थी उसके साथ वो बोलती यहाँ पे मैकेनिक्स के पास वो तो मर जाएगा और उसकी आवाज में एक डर था, डरी हुई थी. Room tried to reassure her. No, no, he will be fine. और रूम उसको आश्वस्त करने की कोशिश करता कि नहीं नहीं वो यहाँ पे ठीक रहेगा. Was he crazy? How would I survive in the hot concrete jungle? तो वो जो फ्रॉग था वो सोचता है कि ये क्या क्रेजी हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है, मैं इसमें कैसे जीवित रहूंगा यहाँ पे, ये तो पूरी तरह से यहाँ पे हॉट कंक्रीट, यहाँ पे पूरी तरह चारों तरफ कंक्रीट का जंगल है, तो वहां पे मैं कैसे रहूंगा. गिव मी दैट प्लास्टिक बैग, शी हिस्ड. वो धीरे धीरे कहती है उसको ये जो प्लास्टिक बैग है वो मुझे दो. वॉट आर यू गोइंग टू डू, रोम आस्क्ड. रोम उससे पूछता है कि तुम इसे क्या करने जा रही हो. Just as I was about to make good by escape, she caught me with the bag. जैसे मैं वहां से भागने की कोशिश कर रहा था वो मुझे पकड़ लेती है. She sprinkled some water from her bottle and threw in some green leaves and knotted the bag tight. वो मेरे ऊपर कुछ बॉटल से पानी छिड़कती है और जो है उस बैग के अंदर और उसके अंदर कुछ हरी पत्तियां डाल देती है और मुझे उस बैग में बंद कर देती है. She bit a small hole in the bag and tugged me into her knapsack. That was how I came to wear frog nap. वो जो था जिसमें उसको उसको रखा था उसके ऊपर छोटे से होल बनाती है और उसको अपने बस्ते के अंदर डाल देती है और इस तरह से मैं फ्रॉग नैप मुझे मतलब जो हल्की हल्की सी नींद आई थी इस तरह से मैं उसमें आ गया. Although हालांकि she kept the bag out of the sun in the ऑटो रिक्शा, हालांकि वो जो है बैग को सन से दूर रखा था ऑटो रिक्शा में.
इट वॉज स्टिफलिंग हॉट, बहुत दम घुटने वाली गर्मी थी, एंड आई स्ट्रगल टू ब्रीथ, और मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. ऑन द वे रूम डिक्लेयर दैट आई वॉज श्योर टू डाई बिफोर दे रिटर्न होम, एंड शी वॉज एज इक्वली सर्टन दैट शी वुडंट लेट मी. जब वो रास्ते में, रोम तो पूरी तरह से डिक्लेयर कर ही चुका था कि मैं जब तक घर पहुंचेंगे हम लोग तब तक ये मर जाएगा, पर वो लड़की थी वो बहुत सर्टन थी, इक्वली जितना रोम को था विश्वास उस तरह वो भी लड़की कि नहीं वो मुझे किसी तरह से मरने नहीं देगी. अ लिटिल लेटर दे स्टॉप्ड एट अ रेस्टोरेंट, थोड़ी देर बाद वो रेस्टोरेंट के पास रुकते हैं. आफ्टर ब्रेकफास्ट शी ओपन्ड द बैग एंड ब्लू इन अ लंगफुल ऑफ कॉफी लैडन ब्रेथ, और वो जो है जब रेस्टोरेंट पे रुकते हैं वो उस बैग को खोलती है और अपने मुंह से उसके अंदर फूंकती है, तो जो उसने कॉफी पिए था उसका स्मेल उस बैग के अंदर आता है. आई गेज्ड, मुझे उल्टी लगा एंड स्प्लाउटेड, और मुझे थोड़ा सा तुतलाना भी लगा. रोम टीज, इज ही स्टिल अलाइव, और वो कहती, टीज करते हुए कहती कि या क्या ये अभी भी जिंदा है. आई कॉट हर लुकिंग ड्रैगर्स एट हिम, वो उसको जो बहुत तीखी नजरों से जो देख रही थी वो मुझे दिख गया. एज शी टग्ड मी बैक इन टू द नैपसैक, जब वो मुझे अपने बैग के अंदर फिर से जो स्नैपशॉट था उसके अंदर डाल रही थी तो मुझे ये दिखा. बाय नाउ द एयर कंडीशनर इन द रेस्टोरेंट हैड हेल्प मी काम डाउन एंड आई वॉज ऑलमोस्ट ऑल राइट. तब तक जब वो बैग खोली थी तब तक मुझे किसी तरह से जो रेस्टोरेंट में एयर कंडीशनर चल रहा था वो मुझे हेल्प किया शांत होने में, एंड मैं ऑलमोस्ट ठीक हो गया था. Even managed to doze off for a while, और मैं थोड़ा सा मुझे नींद जैसे भी आ गई, doze off for a while, थोड़ी देर के लिए मैं सो भी गया. After lunch, she blew some more air into the bag. खाने के बाद कुछ और वो हवा भरती है उस बैग के अंदर. This time, her breath stank of raw onions. इस बार उसका जो सांस था वो उसमें स्मेल आ रहा था, स्टैंक कर रहा था, बदबू दे रहा था कच्चे प्याज का. Hours later, Room took the bag out of the knapsack and set it down on the seat of an air-conditioned vehicle. कुछ घंटों बाद जो रोम था वो बैग को उसके बस्ते से बाहर निकालता है और सीट पर रख देता है, जो एक एयर कंडीशन व्हीकल था जिसे वो जा रहे थे उसमें रख देता है. When was this nightmare going to end? वो सोचता है, फ्रॉग जो सोचता है कि ये कैसे, ये जो नाइटमेयर है वो बुरा सपना वो कब खत्म होगा. Would I ever see my home again? क्या मैं फिर से अपने घर को देख पाऊंगा. After a long time, I woke up to see her peeping at me. बहुत देर बाद मैं देखता कि वो मुझे मेरे जो बैग के अंदर वो झांक के देख रही है. The bag was open. बैग खुला हुआ था. Seizing the opportunity, मैं अपॉर्चुनिटी को देख के पकड़ते हुए I leapt blindly and landed to the nearest tree, और मैं उसमें से उछल के बाहर निकला एकदम से और पास की जो पेड़ थी उसके पास चला गया. She exclaimed, वो खुशी से जाहिर करती है, आश्चर्य जाहिर करती है. He looks normal, वो normal दिख रहा है. No sign of desiccation, वो कोई ऐसा सूखा हुआ नहीं और मतलब उसमें कोई problem नहीं दिख रहा है. I leapt further out of her reach, और मैं और उछल के दूर से चला गया. I looked around, मैं चारों तरफ देखा, and I could not believe my luck. I was back home, और मुझे बिलीव नहीं होता है कि मैं घर फिर से पहुंच गया हूँ. Later that evening, when I narrated my adventures, none of my friends would believe me. Late, जब शाम में कुछ देर के बाद और मैं जब अपने दोस्तों को ये अपना एडवेंचर सुनाया तो मेरे किसी दोस्त ने मुझ पर विश्वास नहीं किया. बाय देन आई कुड हार्डली बिलीव द स्टोरी माई सेल्फ एंड वॉज ऑलमोस्ट श्योर दैट इट हैड बीन अ नाइटमेयर. मुझे भी बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ है और मैं एकदम श्योर था कि ये कोई बुरा सपना.
Could any living creature survive the heat, the noxious air and the noise of the place called a city? कोई भी लिविंग क्रिएचर जो है, जीवित प्राणी है, क्या वो हीट में सरवाइव कर सकता है उतनी गर्मी में, और जो हानिकारक हवा है उसमें, और जो इतनी वहां पे जो इतने नॉइज चल रहे थे उसमें कोई भी ये लोग रह सकता है? इसी को हम शहर कहते हैं। आई कीप हैविंग नाइटमेयर्स, इस तरह से मुझे बुरे सपने आते रहे। वॉट इफ माई वर्ल्ड बिगिन्स टू मूव वेन आई गो टू स्लीप, क्या होगा जब ये दुनिया, जो मेरी जो दुनिया है वो चलने लग, आगे की तरफ मूव करने लगेगी जब मैं सो जाऊंगा। वॉट इफ आई एम नॉट सो नॉट एज लकी एज आई वॉज द लास्ट टाइम, ये क्या होगा जब मैं जिस तरह से लास्ट टाइम लकी था उस तरह से नहीं रहा हुआ तो। आई थिंक आई विल टेक द एडवाइस ऑफ द फ्रेंड्स आई मेट ड्यूरिंग द लास्ट मानसून, और वो सोचता है कि मैं जो है अपने फ्रेंड से एडवाइस लूंगा जिनसे मैं लास्ट मानसून में बारिश के टाइम पे मिला था। जो उसके दोस्त कहाँ रहते हैं, दे लिव्ड इन द ह्यूज मल्टी रूम केव कॉल्ड हाउस, बहुत बड़े से जहाँ पे बहुत सारे रूम थे और जो कि एक केव की तरह था, उसको हम घर कहते हैं। दे हैड बोस्टेड ऑफ प्लेंटीफुल वाटर, उन्होंने बहुत दावा किया था कि वहां पे बहुत सारी पानी है। ग्लोइंग लाइट्स, बहुत चमकता हुआ रोशनी है एट नाइट, दैट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ इंसेक्ट्स, और जो कि बहुत सारे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। मेनी प्लेसेस टू हाइड एंड नन ऑफ दोज स्नेक्स एंड बर्ड्स, वहां पे बहुत सारी जगह है जहां पे आप छुप सकते हो और वहां पे सांप भी नहीं है और चिड़िया भी नहीं है। टू नाइट आई एम मूविंग इन, और आज मैं उस जगह पे मूव कर रहा हूँ, वहां पे उस घर के अंदर मूव कर रहा हूँ। ये जो स्टोरी किसने लिखी है, ये जो स्टोरी इज रिटन बाय जानकी लेनिन, उसने कहा कि कौन सी स्टोरी बुक से उसने एक्सट्रैक्ट लिया है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माय हस्बैंड एंड अदर एनिमल्स, उसकी जो एक स्टोरी है माय हस्बैंड एंड अदर एनिमल्स उसमें से ये कहानी उसने उठाई है। नाउ वी फिनिश द स्टोरी, आई थिंक यू पीपल हैव अंडरस्टैंड दैट। ओके, अगेन रिवाइज द स्टोरी, read this again, if any problem ask me. These are some questions of this chapter. Based on your understanding, attempt these questions and write the answers. Thank you children. यदि आप लोगों को इस कहानी में कोई दिक्कत आई हो और समझ ना आया हो तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस को आप लिख सकते हैं।